अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब फिर से होंगे, आपकी लाइफ अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो गाइस, विदाउट एनी डिले हम चलते हैं न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर प्रोग्राम की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा है और आप लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मैंने प्रीवियसली दो वीडियोज बनाई, सबसे पहले मैंने बताया था स्टेप टू स्टेप आपने कैसे अप्लाई करना है उसके लिए, और दूसरी मैंने वीडियो बनाई थी कि उसमें जो रिज्यूम है, जो सीवी है, आपने कैनेडियन फॉर्मेट में कैसे बनानी है, वो भी मैंने आपको बताई थी, जिस पे आपका रिस्पांस आया और काफी लोगों ने मुझे अपनी सीवी सेंड भी की बनाने के लिए और मैंने उनको बना के भी दी। लेकिन भाइयों, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उस वीडियो पे मुझे बिल्कुल व्यूज नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको सीवी बना के दे रहा हूँ और आपको इतनी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैनेडा जा सकते हैं। जहाँ पे आप 30 लाख 40 लाख सिर्फ वर्क परमिट के पे करते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इस प्रोग्राम के तहत, जो कि होगा 24 जनवरी को। और उसके जो पेज अभी लाइव हो चुका है, वहां पे जॉब्स भी आ चुकी हैं। तो भाई, आप लोग फौरन से जो है अप्लाई करें, यही टाइम है, सिर्फ 2 दिन बाकी है। अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया तो ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो भाइयों, मुझे आप सपोर्ट भी करें, जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको सीवी बना के भी दे रहा हूँ। तो आप मुझे व्यूज दें, शेयर करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और अप्लाई कर सके। क्या पता किसी का भला हो जाए और उस दिन उसका लक चल जाए और वहां पे इंटरव्यू में वो पास हो जाए और कैनेडियन जो एम्प्लॉयर है उसको वहां बुला ले। तो भाई, सपोर्ट करें, मुझे शेयर करें मेरी वीडियोस को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। तो अभी हम चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि जो पेज हो चुका है लाइव और वहां पे जॉब आ चुकी है, वहां पे आप जाके एम्प्लॉयर से मिल सकते हैं, आप इजीली किस तरह जो है वहां पे जाके जॉब अप्लाई कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं, इमिग्रेशन की सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, लाइव लेवल चलूंगा उस पेज पे। आपको एक एक चीज बताऊंगा, भाई आपने कैसे अप्लाई करना है, मैंने खुद भी किया है, मैंने उसका स्क्रीन रिकॉर्ड पूरा कर लिया है ताकि आप लोगों के लिए इजी जाए। तो पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, आपकी स्क्रीन पे अभी आएगी, आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। और दूसरी चीज, इस वीडियो से पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखी कि किस तरह लॉग इन करना है, किस तरह रजिस्टर्ड करना है और किस तरह सीवी बनानी है, तो भाई आप 10 मिनट में आप सब आपको समझ में आ जाएगी आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो भाई, ये अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत सारे लोग इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, यार नहीं होता अप्लाई, क्या करना है, इसको फॉर ग्रांटेड मत ले भाई। कुछ पता नहीं होता लक कब चल जाए, कब जो है आपकी किस्मत जाग जाए और आप पहुंच जाए कैनेडा। सिर्फ आपने एम्प्लॉयर को क्लिक करवाना है, आपने इंटरव्यू अच्छा दिया, आप जा सकते हैं भाई। वहां पे बहुत सारी जॉब्स है, वहां पे क्लीनर्स की जॉब है, वहां पे सुपरवाइजर की जॉब है, वहां पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है, बहुत सारी जॉब है, तो आप वहां पे अप्लाई भी कर सकते हैं और जा सकते हैं। तो भाइयों, अभी चलते हैं, मैं लाइव लेके चलता हूँ किस तरह मैंने अप्लाई किया, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और इसको गौर से देखिएगा और भाई अप्लाई करें। और लास्ट वीडियो मेरी लास्ट भी देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे आपने आईडी बनानी है और कैसे आपने सीवी बनानी है। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अब देखें, मैंने गूगल खोल लिया है और मैं वहां पे जाके लिखूंगा वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर 2024। तो ये मैंने खोल लिया जनाब, अभी आप देखिएगा कि सामने आपके आ जाएगा पेज। ये देखें, पहला ही लिंक आप खुलेगा जिसमें न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर कैनेडा का आ रहा है, वो आपने क्लिक कर देना, जैसे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद देखें, यहाँ पे ये पेज खुल गया है, इसी तरह आपके पास भी खुलेगा ये पेज। तो जिसने रजिस्टर्ड नहीं किया वो करेगा रजिस्टर्ड नाउ, और जो कर चुके हैं वो करेंगे यहाँ पे आके लॉगिन। तो मैं आपको लॉगिन करके ये दिखाऊंगा, ये पेज हो चुका है लाइव और यहाँ पे जॉब्स आ चुकी हैं। तो ये डिफरेंट ये है इन्फॉर्मेशन दी हुई, एजेंडा और सारी चीज़ें, आपने किस तरह अप्लाई कर रहे हैं। तो अब चलते हैं लॉगिन की तरफ। ये देखें, मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल डालूंगा जो मैंने जब रजिस्टर्ड की थी तो उसमें मैंने डाली थी। आपके सामने देखें, मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ईमेल। ये भाइयों, ईमेल डल चुकी है और मैंने कर दिया है लॉगिन। अब देखें आप, ये पेज हो चुका है लाइव और यहाँ पे सब चीजें आपको मिलेंगी। ये देखिए, ये मैं आ गया हूँ लाइव इनके पेज पे। पहले ये पेज नहीं खुल रहा था, अब ये खुल चुका है। तो आप ये देखिए, इसमें लॉबी का आ रहा है, मीट एम्प्लॉयज का भी आ रहा है, मीट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, इमिग्रेशन सपोर्ट, रिसोर्सेज, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन सेशन, ऑन डिमांड वीडियोस, इन्फॉर्मेशन डेस्क, पार्टिसिपेंट सर्वे, माई जॉब्स, ऑल जॉब्स, ये सारी यहाँ पे देखें आ चुकी है। यहाँ पे आप डायरेक्टली जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरह करेंगे जॉब अप्लाई वो मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा एक जॉब। देखिए, मैंने मीट एम्प्लॉयर पे खोला, मीट एम्प्लॉयर पे मैंने क्लिक किया तो ये सारे आ गए हैं एम्प्लॉयर्स, एसोसिएशन ऑफ न्यू क्रॉसबी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड कम्युनिटी, एक्सपोर्ट, ये सारे एम्प्लॉयर्स हैं, सारे एम्प्लॉयर्स के नाम है। आप किसी में भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको जॉब का नजर आ जाएगा। आप देखें, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ किसको खोलना है, मैंने किसी भी एक को यहाँ पे खोला। अभी देखें मैंने किसको खोला, मैं आपको बताता हूँ कौन सा एम्प्लॉयर है। भाई ये जो है पैल, मैंने खोल दिया पैल एम्प्लॉयर। अब देखें उसके बारे में लिखा हुआ है और रिव्यूज डॉक्यूमेंट, और नीचे देखें 16 वैकेंसीज है इसकी, जॉब वैकेंसीज 16। ये देखें, अकाउंट पेबल स्पेशलिस्ट, अकाउंट पेबल सुपरवाइजर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, सॉरी मेरी नजला जरा हो रहा है, अवेनिक इंजीनियर, कैप्टन एयर एम्बुलेंस, कस्टमर केयर रिजर्वेशन एजेंट,
कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, देखिए हर तरह की जॉब इस कंपनी में आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने एक अप्लाई कर दिया है जी, कस्टमर केयर एंड रिजर्वेशन एजेंट के लिए। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, लाइव आप देखिएगा जरा, अप्लाई फॉर दिस जॉब। अच्छा, डायरेक्टली भी कुछ जॉब अप्लाई होती है, जैसे आप अप्लाई करेंगे ना तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये उस कंपनी के पेज पे लेके जा रहा है आपको। तो डायरेक्टली भी कुछ जॉब ऐसी जो मैंने अप्लाई की, सिर्फ मैंने अप्लाई का बटन दबाया और वो अप्लाई हो गई, क्योंकि आपने पहले से सीवी यहाँ पे सबमिट कराई हुई है। अब देखें, जब मैंने क्लिक किया, अब वही जॉब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं वहाँ पे गया था कौन सी वाली जॉब थी, रिप्रेजेंटेटिव वाली। बहुत सारी जॉब्स खुल रही हैं। अब मैंने देखा यहाँ पे कार्गो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की मैंने यहाँ पे जॉब खोल दी। अब ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आपको सिर्फ डालनी है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। देखें यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम डाला तैयब, लास्ट टाइम मेरा आ गया बासी, देन मैंने यहाँ पे डाला अपना जीमेल का एड्रेस, देखिए मैंने डाल दिया है। बहुत इजी तरीका है भाई, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई साइंस नहीं है, बेसिक तरीका है, सिर्फ आपने लिखना है। और इंशाल्लाह क्या पता भाई क्या छक्का लगे और आप निकल जाए। यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, कंट्री में एक पाकिस्तान आ गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपना नंबर डालना है, यहाँ पे अपना नंबर डालूंगा, उसको फिर कंटिन्यू करूंगा तो आगे का पेज खुलेगा। देखिए सिंपल, नाम, लास्ट नेम, ईमेल और नंबर मैंने ये डाला, देन फिर देखें ये इसने कर दिया कंटिन्यू। सेलेक्ट करना है आपने जीमेल का एड्रेस, जीमेल का एड्रेस डालेंगे तो आपके पास वहाँ पे जीमेल पे आ जाएगा वेरिफिकेशन कोड। तो मैं भी जाऊंगा अपने स्क्रीन पे जीमेल की, वहाँ पे जाके देखूंगा कोड क्या है। जैसे मैं कोड चेक करूंगा, देखें यहाँ पे ईमेल आप रिफ्रेश करेंगे तो वो ईमेल आ जाएगी। अभी आप देखिएगा ये ईमेल आएगी, जैसे ही ईमेल आती है ये देखें नीचे लिखा आ रहा कोड 23 65 32, मैंने यहीं से देख लिया। और मैं फौरन से अब जाऊँगा वापस उस पेज पे और जाके यहाँ पे डाल दूंगा वो कोड। ये देखिए मैंने कोड डाला, कोड डालने के बाद मैं इसको वेरीफाई, ये आ गया वेरीफाई, और ये वेरीफाई किया, अभी आगे कंटिन्यू कर देगा। ये देखें ये हो गया जी, अब नेक्स्ट पेज खुल गया है। नेक्स्ट पेज में देखें वही चीज़ें हैं, नाम वगैरह, आपके घर का एड्रेस सारा मैंने पहले से डाला हुआ है। देखिए आप अप्लाई करेंगे तो ये नाम डालना है, आपने अपना एड्रेस डालना है, कंट्री कहाँ है आप, पाकिस्तान, वो सिलेक्ट करेंगे, अपना एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर मेरे आ रही है। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है, कोई भी साइंस नहीं है। यहाँ पर आगे आपने अपलोड फाइल करनी है, वही फाइल जो आपने अपनी कैनेडियन फॉर्मेट में बनाई है सीवी, यहाँ पर आके आप सीवी को अपलोड करेंगे। जब आप यहाँ अपलोड फाइल पर आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, ये देखें बहुत सारे ऑप्शन आएगा, तो फाइल आपने सेलेक्ट करना है। जब आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे मेरी रिज्यूम ऊपर ही आ रही है, तैयब रिज्यूम 2024, आप इस तरह बना के सेव करके रखेंगे। और ये देखें अभी यहाँ पे होगी अपलोड, जैसे अपलोड होगी देखें अपलोड हो चुकी है। अब मैंने बोला इसको ये ऑप्शन है, इसको टिक करना है, टिक करने के बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब देखें कुछ सवाल करेगा आपसे, ये कह रहा है कि COVID-19 आप वैक्सीनेटेड हैं, आप बोल रहे यस बिल्कुल है, आप सिर्फ कैनेडियन सिटीजन है, आप बोलेंगे नहीं, और आपको जो है आपने कभी काम किया है इस कंपनी में जो आप अप्लाई कर रहे हैं, आप बोलेंगे नो, उस पर भी आप नो कर दिया। कोई आपने क्रिमिनल एक्ट किया, आप बोलेंगे नो। आपके पास कितना एक्सपीरियंस, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल 4 साल का, जो जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर डाल देंगे। उसके बाद आपने कहाँ से सुना भाई जॉब का, कहाँ से आपने जो है अप्लाई किया, तो उसमें डालना है आपने। आप इसमें इंटरव्यू डाल सकते हैं या इसमें अदर कर सकते हैं, जो है न्यू फॉर्मेट से अप्लाई किया है तो आप उसमें वेबसाइट अदर डाल देंगे, अदर का ऑप्शन। उसके बाद आप चेक करेंगे भाई सारी चीज़ें ओके हैं, उसके बाद यस करके एग्री करके यहाँ पे अपना प्लीज टाइप योर फुल नेम, यहाँ पे इस तरह का एक सिग्नेचर टाइप का ही वो आप डालेंगे और आप दबा देंगे सबमिट का बटन। तो भाइयों देखो ये हो गई जॉब आपकी अप्लाई, कितना आसान तरीका है, जस्ट सिंपल स्टेप है, नाम लिखना है, अपना होम एड्रेस, कंट्री, सारा कुछ करके सीवी उनके पास ऑलरेडी है। अगर ये वेबसाइट पे लेके जाता है आपने वहाँ पे सीवी अपलोड करनी है, सीवी अपलोड करने के बाद आप सिर्फ सबमिट का बटन दबाएंगे और जॉब हो जाएगी अप्लाई। तो ये पूरा प्रोसेस था, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, देखें आप अगर दूसरे एम्प्लॉयर के लिए जा रहे हैं तो इसी पेज पर आप एरो बना रहे हैं आगे का, ये देखें आप 2 एरो बने हुए आ रहे हैं, आप अप्लाई करें वो भी हो जाएगा। तो भाई बहुत ही आसान तरीका है अप्लाई करने का, बहुत सारे एम्प्लॉयर नीचे देखें और मजीद एम्प्लॉयर हैं, तो दिस इज़ राइट टाइम, अभी बिल्कुल डिले मत करें, 2 दिन बाकी हैं सिर्फ। अगर आपने मेरी प्रीवियसली वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से देखें, किस तरह आपने लॉग इन करना है और किस तरह आपने सीवी बनानी है। सीवी बनाने के बाद अभी पेज हो चुका है लाइव, आप फौरन से यहाँ पे आए और इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। देखिए एक जॉब तो जो मैंने अभी आपको अप्लाई करके दिखाई है आपको ले गया उस पेज पे, लेकिन बहुत सारी जो है जॉब ऐसी हैं सिर्फ आप अप्लाई का बटन दबाएंगे डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी फौरन से। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, देखें ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको जब अगर आपका एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेता है तो देन आपने सिर्फ क्या करना होगा, सिर्फ आपने टिकट के पैसे देने और जो वीज़ा फ़ी होती है वो देनी है, अदरवाइज कोई फ़ी नहीं देनी। अगर आप जाते हैं कैनेडा विजिट वीज़े पे, वो उसको कन्वर्ट कराते हैं वर्क परमिट में, तो 30 लाख 40 लाख 50 लाख तक पैसा चार्ज किया जाता है।
और अब यहाँ से भी अप्लाई करते हैं वर्क परमिट, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट जो है यहाँ पे भी वर्क परमिट देते हैं। तो 25 लाख से शुरू करते हैं भाई, वो 25 लाख, तो आप खुद सोचें आप कितने पैसे बचा लेंगे अगर आपका लक चल गया और एम्प्लॉयर को आप समझ में आ गए, आपकी सीवी समझ में आ गई, तो भाई आप जा सकते हैं डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क परमिट में। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया किस तरह अप्लाई करना है, लाइव पेज पे जाके मैंने आपको दिखाया, बहुत आसान तरीका है। जैसे आपने कहाँ जा रहे हैं, पूरा जो पेज खुल जाएगा लाइव लॉगिन करके, उसमें आ रहा है मीट एम्प्लॉयर, मीट एम्प्लॉयर पे आप क्लिक करेंगे तो सारी जो है एम्प्लॉयर आ जाएंगे। हर एम्प्लॉयर पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे जो है तीन चीज़ आ रही होंगी, वीडियो डॉक्यूमेंट और जॉब्स। जहाँ वैकेंसीज आ रही है वहाँ अप्लाई करें, आप देखें आपसे रिलेटेड कोई वैकेंसी है भाइयों फौरन से अप्लाई करते हैं। और 24 तारीख को ये लाइव जाएगा, अभी सिर्फ दो दिन बाकी, आज 22 तारीख है। अभी वीडियो देखें, इसको फैला दें, शेयर करें, सपोर्ट करें मुझे, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो गाइस ये शेयर करना तो बनता है। तो भाइयों दिस इज राइट अपॉर्चुनिटी, और बहुत ही जो है टाइम कम रह गया है, तो आप जल्दी करें, वक्त जाया ना करें, क्या पता किसकी किस्मत चमक जाए और पहुंच जाए कनाडा। और कनाडा में भाई बहुत सारे लोग जो बोलते ना कनाडा मत आओ, कनाडा में ये मसला है, ठंड है, यूं है, और खासतौर पर जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आप जब भी उनसे पूछेंगे भाई हम कनाडा आना चाहते हैं, वो डायरेक्टली आपको मना कर देंगे कि भाई यहाँ तो बहुत महंगाई है, यहाँ तो बुरा हाल है, अबे तो भाई तुम क्यों रह रहे हो, फिर वहाँ पे 40 साल से 30 साल से खुद वहाँ जम के बैठे हैं, लेकिन यहाँ से कोई आए तो उनको पसंद नहीं आता और मना कर देते हैं, उल्टा डीमोटिवेट करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग वहाँ सेटल्ड है, बहुत फैमिली है सेटल्ड है, और बहुत मजे से पीसफुल इन्वायरमेंट में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने घर को भी सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे भी सपोर्ट करते हैं। तो भाई कनाडा में आप जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, फॉरन से मैं कहता हूँ इसको अप्लाई करें, टाइम वेस्ट मत करें, जल्दी जाएं और न्यू फाउंडलैंड इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।